उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अक्सर जगहों के नाम बदल देती है और अब फिर से उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। कौन से हैं ये रेलवे स्टेशन और क्या हैं उनके नए नाम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। दरअसल उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन अब माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु रेलवे स्टेशन अब से माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु, और बिश्नाथगंज को शनि देव धाम बिश्नाथगंज के नाम से जाना जाएगा। यहाँ के देवी देवताओं के नाम इन 3 स्टेशनों के नाम से जोड़ दिए गए हैं। आप अगर इन स्टेशनों की यात्रा करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि इन स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। हालांकि स्टेशनों के नाम में और नाम जोड़े गए हैं पर कुछ भी हटाया नहीं गया है। एक सीनियर रेलवे अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्रालय से पहले ही इन 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को लेकर मंजूरी मिल गई थी। अब रेलवे बोर्ड ने भी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने इन स्टेशनों के धार्मिक महत्व के आधार पर प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु और विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। अब इन 3 रेलवे स्टेशनों के साथ वहाँ के देवी देवताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2020 में कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि कुंडा हनामगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कृपाल महाराज के नाम पर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जगत गुरु कृपाल महाराज का जन्मस्थान है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, मंत्रालय में ये प्रस्ताव अभी भी पेंडिंग है। वैसे क्या इन नए नामों से आप सहमत हैं? हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।